Good morning, students. Today we will study the flight adaptation in birds. We can discuss the flight adaptations in birds into two headings. They are the morphological and anatomical adaptations. We have already discussed or studied the morphological adaptations the previous video. So in this video, we will study the anatomical adaptations. So first of all, the anatomical adaptations. The first adaptation is about the flight muscles. यानी पक्षियों में जो flight adaptations है वो हम दो headings में पढ़ सकते हैं बांट सकते हैं, वो है morphological एवं anatomical. जिनमें से मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब एनाटॉमिकल अडाप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे. एनाटॉमिकल अडाप्टेशंस में सबसे पहले हैं मसल्स, यानी फ्लाइट मसल्स, जो फ्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है, या अडाप्टेड जो मसल्स होते हैं उसको फ्लाइट मसल्स कहते हैं. ओके, और ये फ्लाइट मसल्स जो हैं वेल डेवलप्ड होते हैं एंड they are located. Flight muscles are seen in the case of the breast and are greatly developed. ये जो muscles हैं जो breast region की ओर होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, and while the muscles on the back are reduced. Okay, reduced होते हैं. अब कहते हैं इसके जो weight है वो body की जो weight की 1/6 के बराबर होती है. Okay, and in this case the two muscles, they are the pectoralis major and pectoralis minor, and that help for the lowering and raising of the wings. yani usme jo pectoralis major hai wo wing ko niche ki or लाते हैं, नीचे की ओर लाने में मदद करते हैं, और पेक्टोरलिस माइनर जो है वो विंग को ऊपर की ओर उठाने में मदद करते हैं. ओके, और नेक्स्ट जो है दैट इज़ द पर्चिंग मैकेनिज्म. पर्चिंग हियर इट इज़ द पर्चिंग मैकेनिज्म. पर्चिंग है उसको कहते हैं पक्षी साधन. पर्चिंग मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं वो है कि हाइंड लिम्स में पाए जाने वाले जो मसल्स, देयर मसल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हेल्प इन पर्चिंग. ओके, व्हेन अ बर्ड सेटल्स डाउन ऑन द ट्री द बेंडिंग ऑफ लेग्स एक्सर्ट अ पुल ऑन द फ्लेक्सर टेंडन्स दैट मेक द टोस ऑटोमेटिकली टू फ्लेक्स एंड टू ग्रिप द पर्च. दस यू नो द बर्ड इन रेस्टिंग और स्लीपिंग इज ऑटोमेटिकली क्लैंप टू इट्स पर्च. यानी पक्षी साधन में इस तरह से होता है कि जो पक्षी के जो पश्चपाद के जो मसल्स होते हैं वो भली प्रकार अनुकूल होते हैं. ओके, और इनके जो पेशियां होती हैं वो विकसित भी होती हैं, और जब भी पक्षी साधन होते हैं तो वो सहायता भी करते हैं. जैसे ही बर्ड जो हैं वृक्ष पर उसके डालियों में बैठता है तो टांगों को झुकने से जो फ्लेक्सर टेंडर्स होते हैं वो उसका खींचा होता है, जिससे जो पादांगुष्ट है सुता ही नमन कर जो पक्षीसाद या पर्चिंग या पर्च को जकड़ लेते हैं. इस प्रकार भी जो विश्राम करता या सोता हुआ जो भी पक्षी होगा वो स्वतः अपने पर्च या फिर जो अड्डे होते हैं उसे जगड़ा रहता है. ओके, तो पर्चिंग यानी पर्चिंग सेकेंड एनाटॉमिकल adaptation, flight adaptation हो गया. Now third one we can discuss, that is the digestive system. Digestive system में we can say the rate of metabolism, यानी birds के अंदर जो rate of metabolism is very high. Food requirements are also very great and digestion is rapid. Okay, any food that is selected has a high caloric value. Okay, and with a minimum indigestible waste. Okay, consequently the digestive system is
कॉम्पैक्ट बट इफेक्टिव। यानी रेटो जो मेटाबॉलिज्म होता है बर्ड्स में हाई होती है और फूड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से जो डाइजेशन है वो भी तीव्र गति से होती है। और जो भी फूड मटेरियल्स चाहे वो दाने हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी फूड मटेरियल्स जो सिलेक्ट करते हैं वो हाई कैलोरिक वैल्यूज़ की होती है। ओके, और फूड जैसे ही वो यूज़ होता है, हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू फूड जो है लेते हैं, वो कम डाइजेस्टिबल वेस्ट के साथ में वो यूटिलाइज किया जाता है। तो इस इन सब के लिए जो अडाप्टेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे पास कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव होता है। ओके, तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भाग है उसमें नेक्स्ट में वी कैन से दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इसमें यू सी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ दे रखा है दैट इज़ द क्रॉप रीजन। ओके, दिस इज़ द क्रॉप रीजन। ओके, दिस इज़ द क्रॉप रीजन। अब क्रॉप क्या है, यू नो व्हाट इज़ द क्रॉप, यानी द क्रॉप वी कैन से दैट इज़ द मिडिल पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस एक्सपैंड्स इनटू अ थिन वॉल्ड बाइलोब्ड इलास्टिक सैक। यानी जो मिडिल पोर्शन होता है ईसोफेगस का वो एट वंस एक्सपैंड हो जाता है और एक पतली दीवारों वाली दीपालीदार इलास्टिक सैक बना देते हैं जिसको हम क्रॉप कहते हैं। ओके, क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप का फंक्शन क्या है, जल्दी जल्दी जो फूड ग्रेन्स वो अब्जॉर्ब लिए स्वॉलो करते हैं उसको वो मॉइस्ट करते हैं और उसके साथ तो वो सॉफ्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ द, इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ जानते हैं जो पिजियन है, पिजियन एक तरह के मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिसको नोन एज पिजियंस मिल्क। और वो पिजियंस मिल्क जो है कब यूज़ होता है, ब्रीडिंग सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, ब्रीडिंग सीजन में, और वो सॉफ्ट होता है, चीज़ी होता है और उसके यंग वंस के लिए नरिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, किया जाता है। और ये रिगर्जिएटेड इनटू द माउथ ऑफ द यंग बर्ड्स अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू मैनेज द ग्रेन ए ग्रेन डाइट लाइक देयर पेरेंट्स। जब तक वो अपने पेरेंट्स के समान वो ग्रेन्स जो हैं वो फूड में ले नहीं पाते हैं तब तक उनके अपने पेरेंट्स जो हैं ये पिजन्स मिल्क उनको प्रोड्यूस उनको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और इसको और कहते हैं कि पिट्यूटरी की जो एंटीरियर पोर्शन लोब होते हैं और वो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं और वो दैट स्टिमुलेट्स एंड कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ पिजन्स मिल्क विच इंक्लूड्स द वाटर फैट प्रोटीन एंड लैक्टोस। यानी जो इनके पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं मास्टर ग्लैंड के रूप में कहते हैं ना, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ द प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं पिजन्स के मिल्क फॉर्मेशन को। और इस मिल्क के अंदर, पिजन्स मिल्क में फैट होता है, वाटर है, प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर कैसीन है और लास्ट में लैक्टोस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पोर्शन वी कैन से दैट इज द प्रोवेंट्रिकुलर्स ऑफ द स्टोमक। प्रोवेंट्रिकुलर्स गिजार्ड, ओके, गिजार्ड का पोर्शन, दैट गिजार्ड पोर्शन उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर्स। तो प्रोवेंट्रिकुलर्स क्या है, दैट इज स्मॉल बट थिक वॉल्ड सैक एक्सटर्नली अपियरिंग लाइक ए स्लाइट डायलेशन ऑफ द ईसोफेगस एरिया, प्रोवेंट्रिकुलर्स। ओके, दिस इज द प्रोवेंट्रिकुलर्स, जबकि वो किसका पोर्शन होता है और लगता है कि वो ईसोफेगस की डायलेशन के कारण होता है, बट ये स्टोमक का ही पोर्शन होता है। वी कैन एट इज एंटीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द स्टोमक, ये एंटीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन होता है स्टोमक का, इसलिए हम इसको प्रो वेंट्रिकुलस कहते हैं। ओके, पीछे जो मस्कुलर पोर्शन होता है उसको वेंट्रिकुलस या गिजार्ड कहते हैं, और इसमें म्यूकोसेक्रेशन होता है प्रो वेंट्रिकुलस में स्टोमक में, और एंड ऑल्सो सेक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। ओके, अब गिजार्ड जो है उसके जस्ट पीछे का है, ओके, दैट इज नोन एज द वेंट्रिकुलस। ओके, गिजार्ड या फिर वेंट्रिकुलस कहते हैं इसको। और इसका क्या है, इट पोसेस द शेप ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके,
बाइकॉन्वर्स लेंस के शेप होते हैं, आकार होता है, एंड इट इज़ लार्ज हार्ड एंड ऑल्सो लैटरली कंप्रेस्ड. ओके, इसका फंक्शन क्या है कि ये स्मॉल जो ग्रेन्स जो हैं वो लेते हैं और वो स्टोन्स को क्या है, सॉरी जो ग्रेन्स होते हैं दैट इज ग्राइंडिंग, दैट इज जो इसके अंदर जो स्टोन्स पाए जाते हैं और वो स्टोन्स गिजार्ड के अंदर वो उसको कि ग्राइंड करके, यानी जो फूड मटेरियल्स ऐसे ग्रेन्स होते हैं उसको ग्राइंड करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं. ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में यही है. ओके, यानी क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस और सीका जो है वो जो कि रेक्टम के नेक्स्ट भाग होता है. ओके, दैट नेक्स्ट पोर्शन वी कैन से that is the intestinal portion, that is intestine and cecal portion. Okay, now next we can say that is the adaptation, anatomical adaptation mein, that is the warm bloodedness. Okay, you know birds are warm blooded animals. Okay, the perfect aeration of blood is responsible for high temperature of the body. It is the necessity for the flight. Warm bloodedness jo hai aur wo हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इसी तरह से कि ये भी फ्लाइट के लिए एक तरह की अडाप्टेशन होता है. क्लियर, अडाप्टेशन ऑफ द फ्लाइट, अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट. ओके, नेक्स्ट दैट इज द ब्रेन एंड ऑल्सो द सेंस ऑर्गन्स. ओके, ब्रेन एंड द सेंस ऑर्गन्स, और इसमें है जो ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो प्रोसेस है, जो अडाप्टेशन है, वी कैन से द the birds, the eyes and optic lobes are large, that is responsible for the great development of the sight. You know, birds के अंदर जो उसके optic lobes होते हैं वो highly developed होता है. okay, highly developed होता है मस्तिष्क के अंदर, और इसमें इसके अनुसार optic lobes जो हैं बड़े हैं, तो इसके अनुसार इसके नेत्र भी बड़े होते हैं और जो दृग्पालियाँ सुविकसित होती हैं. ओके, और अक्सर ये दोनों, इनकी दोनों नेत्र जो हैं मिलकर मस्तिष्क अपेक्षा जो है भारी भी होते हैं. ओके, नेत्रों में या आइस में तेजी से समंजन की जो क्षमता भी है वो भलीभांति विकसित होती है, क्योंकि उड़ते समय या फ्लाइट करते समय बर्ड्स को दूर दृष्टि से निकट दृष्टि में शीघ्र परिवर्तन करना आवश्यक होता है. ओके, यानी द मच डेवलप्ड एंड कन्वोल्यूटेड सेरिबेलम इंडिकेट्स द डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ग्रेट पावर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिलोंगिंग टू द बर्ड्स. और इसी तरह से जो सेरिबेलम है, यानी अत्यधिक विकसित और जो सेरिबेलम है पशु में पाए जाने वाली संतुलन की सूक्ष्म संवेदना और पेशीय समन्वय को विशाल क्षमता का द्योतक होता है. और सेरिब्रम भी इसी तरह से, सेरिब्रम में जो कॉर्पस ट्रायोटम है उसका भी अत्यधिक विकास होता है, जो कि उड़ान में स्थिरता प्राप्ति करने के लिए असाधारण युक्ति चलन के रूप में ये वृद्धि करता है. ओके, नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इसके स्केलेटन में है, एंडोस्केलेटन. और एंडोस्केलेटन में इतनी अडाप्टेशंस पाए जाते हैं, वो वन बाय वन वी विल डिस्कस. ओके, तो इसमें जो बर्ड्स की जो एंडोस्केलेटन है, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं और सारे बॉन्ड्स वो न्यूमैटिक होते हैं. ओके, वातील होते हैं, न्यूमैटिक अडाप्टेशन, दैट इज अडाप्टेशन है. ओके, और मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स जो हैं वो न्यूमैटिक होते हैं एंड फिल्ड विद द एयर सैक्स. जितने भी जो हड्डियाँ बॉन्ड्स होते हैं वो न्यूमैटिक या वातिल होती हैं और उसके द्वारा एयर फिल्ड या एयर सैक्स के द्वारा वो भरी रहती हैं इंस्टेड ऑफ बोन मैरो. जैसे हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, और बॉन्ड्स में क्या पाए जाते हैं, बोन मैरो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो बर्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स की हड्डियाँ, तो बॉन्ड्स तो सारे हैं बट वो सारे बॉन्ड्स में क्या
बोन मैरो की जगह जो है एयर सैक्स भरी हुई रहती हैं। ये इसका अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। ओके, तो इसी तरह से जो इससे क्या होगा, बोन मैरो तो इसको लाइट बनाते हैं। ओके, इसी तरह से जो स्कल में जो पाए जाने वाले जो बोन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइट एंड दे आर मोस्ट ऑफ द फैमिली फ्यूज टूगेदर। जितने भी जो स्कल में पाए जाने वाले बोन्स जो हैं वो लाइट होते हैं साथ ही, और एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। इसी तरह से जो थोरासिक रिब्स में जो अनसनेज प्रोसेस है, दैट ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉम्पैक्टनेस नेसेसरी फॉर अ फ्लाइट बाई कन्वर्टिंग द मास बाई कॉन्सनट्रेटिंग द मास। ओके, इसी तरह से जो थोरासिक रिब्स जो हैं, वक्षीय जो रिब्स होते हैं, उनमें उपस्थित जो अनसिनेट प्रोसेस है वो कॉम्पैक्ट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉम्पैक्टनेस नेसेसरी फॉर फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज अ फलक्रम। ओके, फलक्रम तो फलक्रम में जो है, यानी वो फलक्रम किस तरह से प्रोड्यूस होता है, द रिजिडिटी ऑफ द डोर्सल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रे प्रोवाइड्स अ फर्म फलक्रम फॉर द एक्शन ऑफ द विंग्स। यानी जो वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी जो जो कशेरु दंड के जो डोर्सल साइड में, यानी वर्टिब्रल कॉलम की जो डोर्सल साइड में कशेरुकों को एक साथ फ्यूजन के कारण जो वर्टिब्रल कॉलम के पृष्ठ भाग की दृढ़ता पंखों की क्रिया के लिए एक सुदृढ़ फलक्रम प्रदान करती है। ओके, फलक्रम प्रदान करती है। और इसी तरह से जो विषमगर्ती कशेरुकाएँ जो होती हैं, अधिक जो हैं लचीली प्रदानशीलता प्रदान करते हैं, और सारे बर्ड्स अपनी गर्दन को कि 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जो शरीर के सब भागों में जो पिच प्रसाधन या प्रीनिंग के लिए, ओके, प्रीनिंग में सहायता करते हैं। यानी बर्ड्स कैन मूव देयर नेक 180 डिग्रीज विच हेल्प्स इन प्रीनिंग फदर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी 180 डिग्री में वो अपने जो नेक रीजन को घुमा सकते हैं, जिसलिए वो प्रीनिंग फदर्स का जो प्रीनिंग, यानी जितनी बॉडी के जहाँ जहाँ जो फदर्स होते हैं उसमें वो प्रीनिंग एक्शन के लिए मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कैन से दैट इज द पाइगोस्टाइल। ओके, पाइगोस्टाइल जो कि कॉडल वर्टिब्रे होते हैं, यानी शॉर्टनिंग ऑफ द कॉडल वर्टिब्रे एंड फॉर्मेशन ऑफ द पाइगोस्टाइल। यानी जो कॉडल वर्टिब्रे का लघुकरण और जो पाइगोस्टाइल के बनने से एयर में स्थिरता प्राप्त होती है। ओके, इसी तरह से जो पेल्विस और सिंसैक्रम का संलग्न या फ्यूजन टांगों को जो है एक अटैचमेंट, दृढ़ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रदान करता है। ओके, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ पेल्विस विथ सिंसैक्रम। ओके, सिंसैक्रम प्रोवाइड द शरीर का दैट प्रोवाइड अटैचमेंट जो है, या अटैचमेंट को प्रदान करते हैं, जलते चलते समय में शरीर के भार को सहारा देता है और उतरते समय लगने वाले जो झटके को प्रवाहहीन बनाते हैं। ओके, इसी तरह से दी की